गुरुजी महाराज उपस्थित सभी सत्संग करते हैं लक्ष्यों लक्ष्य। यह मनुष्य शरीर दोष माए परमात्मा जिसको अल्लाह ताला कहते हो उसने भजन इबादत के लिए दिया है, ये अनमोल चीज है। इसके बराबर किसी की कीमत किसी भी चीज दुनिया की किसी भी चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। उसने शरीर को दिया, इसको साफ सुथरा रखो, आप साफ रखो, इसके अंदर कोई उम्र का मांस करनी चीज मत डालो, ऐसी चीज मत डालो कि शरीर का सिस्टम खराब हो जाए और बुद्धि खराब हो जाए, इससे जो तुम्हारा अशिया काम है उससे अलग हो जाओ, इस काम के लिए जो मनुष्य मिला वो काम न कर पाओ। इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है इस शरीर को जो चलाती है ये परमात्मा की अंश है, इसको उसके पास पहुँचाने के लिए मालिक ने ये मनुष्य दिया है। आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको ये मनुष्य मिला और उस जीवात्मा के कल्याण का रास्ता भी मिल गया। अब इस शरीर के रहते रहते अपने काम बना लो, बाकी ये दुनिया का काम जो है अपना काम नहीं है। दुनिया की चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं इन बाहरी आँखों से ये सब देखती उधल हो जाती हैं। कितने भी लोग आए और सबका इसमें लोग में यही हाल रहा है। तो अभी तो सांसों की पूंजी दिन करके खर्च करने के लिए मिली है, बहुत कुछ जो आपने खर्चा किया वो तो हो गया, अब जो बचा है उससे अब आप अपना काम कर। और हर मनुष्य हर इंसान के अंदर उसी मालिक की रूह उसी मालिक की जीवात्मा है जिसने ये शरीर दिया है। अब आप अगर उससे प्रेम करते हो भगवान से मालिक से खुदा से अगर आप प्यार करते हो मोहब्बत करते हो तो उसी के अंश जीवात्मा सबके अंदर है। यहाँ मनुष्य का शरीर का किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, यह काला गोरा अन्य समय जहाँ जैसा रहा परिस्थिति रही उस हिसाब से हो गया। जहाँ गर्मी पड़ी काला हो गया, जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है शाम समझे सफेद रहती है, तो इस तरह से ये हो जाता है। लेकिन जीवात्मा सबके अंदर एक ही देशी है। हिंदू कहता अपने को मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है, ये तो अपने अपने तो तरीके से सब लोगों ने नाम रख लिया। लेकिन उसने तो केवल एक इंसान नाम रखा है। सबके अंदर एक जैसा खून, सबके अंदर एक जैसा मांस, सबके समय एक जैसी आँख का मुँह करके पेट आपका रास्ता सबके अंदर एक जैसा। इसलिए आप उस परमात्मा के प्यारे हो, आपके ऊपर मरीज की दया है, तो आप सबसे प्रेम करो कि पत्तेबाजी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। और पत्र का जो पैदा कर रहा हो उसको भी समझाओ। जीव हत्या तो पाप है ही, लेकिन मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जान बचाना है, अपनी भी जान बचाओ, अपने परिवार वाले बच्चों की भी जान बचाओ और दूसरे की भी जान बचाओ। प्रेमियों आप धर्म प्रेमी हो, गुरु महाराज के प्रेमी हो, भक्त हो, आपकी तरफ से या जो प्रेमी और भी हैं नहीं यहाँ आए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी को तकलीफ हो, कष्ट हो, किसी की जान जाए, धन चला जाए, मकान चला जाए, जमीन जायदाद चला जाए, सोना चांदी रुपया पैसा चला जाए, मंदिर मस्जिद चला जाए, हक चला जाए आदमी का, तो यह सब दोबारा तो ले जाता है। लेकिन जान जब चली जाती है तो जान नहीं मिलती है, और जान अगर अकाल मृत्यु में जाती है
बगैर उम्र पूरे किए हुए जीवात्मा को कोई मार कर काट कर निकाल देता है तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है और प्रेत योनि में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्रेत योनि में अपनी या और किसी की आत्मा जाने न पावे ये प्रयास ये कोशिश आप सब लोग बराबर करते रहेंगे। तो ये सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और प्रशासन वालों ने अधिकारियों ने और सभी लोगों ने इसमें खूब सहयोग भी कर दिया, परमिशन भी आपको दे दिया था। लेकिन कभी ऐसा होता है जैसे आदमी का कोई काम हो रहा है और आंधिया पटा गई, बरसात हो गई तो उसमें रुकावट कर देता है, रुक जाता है। किसी ने कहा भाई आंधी आ रही है, किसी ने कहा कि भाई बरसात तेज आ रही है, यहाँ से जाओ रुक जाओ तो रुक जाता है, काम उसका नहीं रुकता है, यात्रा उसकी रुकती नहीं है, फिर वो यात्रा कर लेता है। ऐसे ही प्रेमियों आप कभी भी निराश मत हुआ करो और निराश होने की जरूरत नहीं है। उस परिस्थितियाँ देश में इस तरह की यानी बनने जा रही या बन रही हैं या समझो कि कोई बात है अधिकारियों तो उन्होंने यानी इस कार्यक्रम को आपके स्थगित कर दिया है। यह नहीं है कि दोबारा फिर नहीं कर पाओगे, दोबारा जब माहौल ठीक रहेगा अधिकारी कर्मचारी जब यानी समझ लो कि वो समझेंगे मुनासिब फिर परमिशन दे देंगे फिर दोबारा हो जाएगा। तो यही नहीं, हमको खबर मिली है कि पूरे देश में सब जगह कई इस तरह के आयोजन और कार्यक्रम यानी स्थगित कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं, खत्म नहीं किए गए हैं लेकिन रोक दिए गए हैं कि अभी नहीं हो सकता है। तो चलो हमको उसी में राजी रहना है, ये भी हमारे ही भाई हैं, इनको कोई तकलीफ न हो, ये भी आपके हित की बात कहते हैं, इनको भी प्रवीण दोनों दो से आए हैं कोई तकलीफ न हो, कोई बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अभी कल जाऊँगा यहाँ से और आप लोग भी आराम से धीरे से कुछ इधर पेट में डाल करके और हमारी को याद करते हुए धीरे धीरे वापस हो जाइएगा। ये कार्यक्रम आपका समझ लो हो गया, ये समझ लो कि संपन्न हो गया। आपको तो 5 मिनट का सत्संग मिल जाए और 5 घंटे का मिल जाए, 5 दिन का मिल जाए, आपको तो उसमें संतुष्ट रहना है। जो भजन ध्यान सुमरण करने के लिए बताया गया आप बराबर सब लोग करते रहना कराते रहना, शाकाहारी लोगों को सदाचारी नशा मुक्त बनाते रहना। ये नशा मुक्त और शाकाहारी कार्यक्रम ये जो आप सब लोगों ने आयोजित किया, जो आपने मेहनत किया, ये आपकी मेहनत बेकार मत समझो कि ये मेहनत बेकार गई, ये आपकी सफल हो गई। ये कार्यक्रम अब आपका समझ लो संपन्न हो गया और धीरे धीरे आप लोग जाना अंदर अंदर में जय गुरु नाम की ध्वनि बोलते हुए जाना, अंदर अंदर में जब जाना अभी से जिसको जैसे सुविधा हो आप धीरे 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 निकल जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डर होने की बात नहीं है, गुरु महाराज आपके साथ हैं और ये अधिकारी कर्मचारी ये भी आपके साथ हैं, इसी तो आप ही के बच्चे आप ही के भाई हैं, तो आप इनसे कोई जरूरत पड़े इनसे मदद लेना और आप इनको सहयोग करो, इनकी व्यवस्था में सहयोग करो और या तो आपके सहयोगी हैं तो आप सब लोग अब अपना या देख लो यहाँ कुछ भंडारे चल रहे हैं, भंडारों में से थोड़ा बहुत जो मिल जाए और खा पी के धीरे धीरे अपने साधन सुविधा से निकलो वापस जाओ अपने अपने स्थान पर जहाँ से आप लोग आए हो उधर अपना अपने धीरे धीरे प्रस्थान करो और भोपाल शहर के लोग भोपाल के आसपास के लोग आप लोग भैया इसको समेटवा देना सामान जल्दी से अपना समेटवा करके और फिर आप लोग कहीं जाना अगर दूर दूर के प्रेमी सब आप लोग अपना स्थान अपने अपने हिसाब से करो, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं कि एकदम गिर पड़ो या एकदम सवारी न मिले तो वहाँ कोई दिक्कत हो जाए, सब आराम से जाओ। आपके साथ ये अधिकारी हैं, आपके साथ गुरु महाराज की दया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खराबर में नाम धुनी बोलते हुए नाम का सुमरण करते हुए सब लोग प्रणाम कर जाओ। बोलो जय गुरुदेव, I'm gonna make it.
526 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के अलग अलग डिशेज बनाई गई है। तो जो अभी महाराज जी ने नया संदेश अभी देना शुरू किया है कि मांसाहार खाते हो तो भाई बहुत से रीजन है, आप प्रोटीन वगैरह देख रहे हो, लेकिन अगर आप स्वाद देख रहे हो तो देखिए कितनी विविधता सिर्फ एक अनाज गेहूं में। 526 डिफरेंट वैरायटी के अगर प्रोडक्ट सिर्फ गेहूं से बन सकते हैं तो हमको शाकाहार के अलावा दूसरे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं इसके लिए अभी ऑफिशियली यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि एक बहुत बड़ा विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है, एक ही सिंगल गेहूं और उससे उत्पाद जो भी होते हैं उनसे सबसे अधिक संख्या में जो खाद्य सामग्री बनाई गई है उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है। और बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन के नाम पर महाराज जी के सानिध्य में विश्व रिकॉर्ड को स्थापित किया गया है और इसके मैं ऑफिशियली घोषणा करते हुए इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ। धन्यवाद।